तो हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ और मस्त और बढ़िया होंगे और आगे भी जो है ऐसे ही रहेंगे। तो वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं अपने आने वाले ग्लूनोवा इवेंट के बारे में। तो कौन कौन से रिवार्ड मिलने वाले हैं, किस तरीके का इवेंट रहने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों दिवाली इवेंट के बारे में बात करने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे टुनाइट अपडेट के बारे में कि कन्फर्म टुनाइट अपडेट क्या रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों 4 सितंबर को अपना पैच अपडेट आ रहा है, तो उसके रिगार्डिंग भी दोस्तों यहाँ पे कुछ छोटे मोटे अपडेट वगैरह निकल के आए हुए हैं, तो उसके बारे में भी जो है बात करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग फटाफट जो है व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो गाइज, गेम के अंदर आपने देखा होगा कि यहाँ पे बहुत सारे पोस्टर आए हुए हैं। पहला है ग्लू ऑफ द गेम, एक्सप्लोर द पावर ऑफ ग्लू इन BR&CS। तो आपको अपडेट के बाद ग्लू एयरड्रॉप देखने को मिलेगा, ग्लू आर्सनल देखने को मिलेगा, ग्लू फैक्ट्री देखने को मिलेगी। तो वो आपको मैप के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं हर जगह आपको जो है ग्लू वगैरह देखने को मिलेगा। इसके अलावा दूसरा आया हुआ है टाइम लिमिटेड ग्लू वॉल बब्स। तो आपको अपडेट के बाद ग्लू वॉल के अंदर एबिलिटी देखने को मिलेगी। एक एबिलिटी ऐसी है कि जब आप नॉकडाउन होंगे तो ऑटोमेटिक आपके आगे से ग्लू वॉल लग जाएगी। इसके अलावा जब आप जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा डैमेज देंगे तभी जाके ग्लू वॉल यहाँ पे डिस्ट्रॉय होगी। और अगर आप जो है कोई ग्लू वॉल वगैरह को डिस्ट्रॉय करते हैं तो आपको जो है यहाँ पे अच्छी खासी जो रेयर लूट है वो मिलेगी। तो यहाँ पे ग्लू वॉल के अलग अलग टाइप के बफ्स आने वाले हैं जो कि टाइम लिमिटेड रहेंगे, तो इससे कि जो ग्लू वॉल की वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो ग्लू वॉल से ही आप मैच जीत जाएंगे भाई, आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं बहुत सारे नए नए यहाँ पे जो हैं बफ्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा क्लैश स्क्वाड का एडजस्टमेंट किया हुआ है। क्या एडजस्टमेंट है, फर्स्ट किल के साथ आपको 100 कॉइन मिल जाते हैं। आपके एनिमी के बाहर पे एक रेड कलर का बॉर्डर आएगा जिससे कि आप एनिमी को अच्छे से पहचान पाएंगे। MVP का नया साइन आएगा। इसके अलावा अगर आप हाइट से यहाँ पे लड़ाई करते हैं तो उसमें भी यहाँ पे ये लोग जो है उसको कंट्रोल करने वाले हैं। और इसके अलावा आपको ऐसे ही छोटे मोटे जो एडजस्टमेंट हैं वो CS के अंदर देखने को मिलेंगे जो कि ग्लूनोवा स्पेशल है। इसके अलावा करेक्टर अपडेट आने वाला है, न्यू करेक्टर लीला आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे जो है एंड्रू वगैरह और ल्यूकोटा वगैरह में जो है करेक्टर को रिवर्क किया गया है और कुछ करेक्टर की जो एबिलिटी है उसको बफ किया गया है। साथ ही वेपन में भी आपको एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। वुड पिकर वगैरह को डाउन किया गया है, वुड पिकर का जो हेडशॉट डैमेज है वो कम किया गया है। AK वगैरह और वेक्टर वगैरह की जो यहाँ पे गन है उनको जो है एबिलिटी को बढ़ाया गया है, बफ किया गया है और यहाँ पे वुड पिकर वगैरह को जो है नर्फ किया गया है। तो इनके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो इसके बारे में अभी डिटेल में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो हल्के फुल्के में आपको मैंने बता दिया है, बाकी आपको अपडेट के बाद जो पैट्स हैं वो गोल्ड में देखने को मिलेंगे। तो बहुत सारे यहाँ पर दोस्तों अच्छे अच्छे अपडेट आने वाले हैं, तो इस सबके बैनर हमारे गेम में आ चुके हैं, आपने देख लिए होंगे। तो यही दोस्तों अपना जो है पैच अपडेट स्पेशल जो है कुछ इवेंट रहने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों आप बात करते हैं फ्री फायर इंडिया के बारे में, क्योंकि कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस बन रही है जहाँ पे बताया जा रहा है कि जो फ्री फायर इंडिया है वो 5 सितंबर को आने वाला है, जहाँ पे कुछ इस तरीके का बैनर दिखाया जा रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि दिवाली में फ्री फायर इंडिया आने वाला है, वहाँ पर इस तरीके का बैनर दिखाया जा रहा है। तो दोस्तों आपको साफ साफ बता दूं कि ये सारे के सारे जो बैनर हैं वो फेक हैं, और जो भी फ्री फायर इंडिया के ऊपर वीडियोस बना रहे हो बिल्कुल फेक है। कोई भी फ्री फायर इंडिया 5 सितंबर को नहीं आने वाला है, वो पिछले साल 5 सितंबर को आने वाला था, तो पिछले साल की जो है पोस्टर को अभी दिखा रहे हैं भाई, तो एक साल बाद दिखा रहे हैं तो वो गलत है। तो अभी फ्री फायर इंडिया के बारे में कोई भी अपडेट नहीं है। तो भाई देखो, जब मॉडरेटर वगैरह से पूछते हैं कि फ्री फायर इंडिया कब आएगा, तो वो बोलता है कि जो गेम अभी आप खेल रहे हो यही फ्री फायर इंडिया है। तो जब उससे पूछते हैं कि चलो भाई मान लिया कि ये फ्री फायर इंडिया है, तो जो ई-स्पोर्ट वगैरह के टूर्नामेंट हैं जो अदर सर्वर में चल रहे हैं वो क्यों नहीं हो रहे हैं, तो जब ये पूछा जाता है तो फिर उनकी जो है यहाँ पे जुबान बंद हो जाती है, तो उसके बाद वो कोई भी रिप्लाई नहीं करते हैं। तो बेसिकली दोस्तों हम फ्री फायर इंडिया को तभी मानेंगे जब ई-स्पोर्ट वगैरह जो है चालू हो जाएगा, आईफोन वगैरह और जो है प्ले स्टोर वगैरह के अंदर जो फ्री फायर है वो आ जाएगा। तो भाई अभी फिलहाल नहीं आने वाला है, अभी आप लोग थोड़ा वेट करो। इसके अलावा दोस्तों टुनाइट अपडेट के बारे में बात करें तो आज रात के बाद आने वाला है सू रॉयल का नया इवेंट, जहां पे आपको 5 अलग अलग कलर के जो नए शूज़ हैं वो देखने को मिलेंगे। हालांकि ये पुराने हैं लेकिन इंडिया में अभी ये पहली बार आ रहे हैं, तो वैसे तो ये कोई ज़्यादा खास इवेंट है नहीं, लेकिन कुछ लोगों को शौक होता है इस तरीके के आइटम कलेक्ट करने का, तो वो लोग स्पिन कर सकते हैं। बाकी वैसे तो मेरे हिसाब से आप लोग स्पिन मत ही करना, क्योंकि ये डायमंड वेस्ट करने वाले टाइप का इवेंट है, तो ये क्या ही चाहिए भाई, ये नॉर्मल रिवार्ड्स हैं। तो जिनको इंटरेस्टेड है, जिनके पास बहुत सारे डायमंड हैं, वो लोग यहाँ पे स्पिन कर सकते हैं। बाकी आपको 1000, 1200, 1500 डायमंड में आपको लगभग 2-3 शूज के जो पेयर हैं वो यहाँ पे आसानी से मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं हमारे आने वाले न्यू बैटल रॉयल के रैंक सीजन के बारे में, जो कि रहने वाला है सीजन 41। तो जैसे ही हमारे गेम में पैच अपडेट आएगा उसके बाद नया सीजन आने वाला है, उसके रिवार्ड क्या क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले आपको एक सर्वर देखने को मिलता है,
देन आपको एक किंगफिशर की स्किन देखने को मिलती है, जहाँ पे आपको सिंगल आर्मर पेनेट्रेशन और सिंगल रेंज देखने को मिलती है। तो ये अपनी जो है यहाँ पे एक फ्री गन स्किन रहने वाली है न्यू रैंक सीजन में। इसके बाद जैसे आप हीरोइक को टच कर लेते हैं, हीरोइक पहुँच जाते हैं, तो आपको मिल जाएगी सीजन 41 स्पेशल एक न्यू हीरोइक टी शर्ट। तो ये जितने भी रिवार्ड्स हैं दोस्तों सितंबर बुइया पास की थीम के ऊपर रहने वाले हैं। सितंबर बुइया पास कैप्टन थीम के ऊपर आने वाला है, तो कैप्टन थीम के सारे रिवार्ड्स हैं। इसके अलावा आपको एक क्विक मैसेज या फिर जो एक यहाँ पे मैसेज वगैरह आता है, वॉइस पैक वगैरह जो भी आप बोलते हो वो आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा कुछ इस तरह के जो बैनर अवतार हैं अब ब्लू कलर के, वो आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको एक जो बैट की स्किन है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये जो नया बीआर का सीजन आ रहा है वो 4 सितंबर को आ जाएगा। ग्लूनोवा स्पेशल कहो आप या फिर OV46 अपडेट स्पेशल कहो, तो ये नया बीआर सीजन आने वाला है। जो भी रिवार्ड्स इसके वगैरह हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी आपकी अभी रैंक कितनी है वो आप मुझे कमेंट करके जो है बता देना। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं ग्लूनोवा इवेंट के बारे में। तो देखो ग्लूनोवा इवेंट में कुछ इस तरह के फ्री रिवार्ड्स मिलने वाले हैं। फ्री रिवार्ड्स के अंदर आपको फीमेल बंडल मिल जाएगा और यहाँ पे जीप स्किन वगैरह मिल जाएगी। तो बाहर के कुछ सर्वर के ऊपर इसका कैलेंडर वगैरह भी आ चुका है, आप देख सकते हैं वो इस तरह का कैलेंडर वगैरह आया हुआ है। तो बाहर के सर्वर के ऊपर तो कुछ ओल्ड वाला बंडल दिया जा रहा है, लेकिन इंडिया में आपको ओल्ड बंडल नहीं देखने को मिलेगा। इंडिया में आपको जो है ग्लूनोवा का जो नया बंडल है वही यहाँ पे फ्री में देखने को मिलेगा। बाकी दोस्तों यहाँ पे अदर सर्वर में तो बहुत सारे रिवार्ड्स दिए जा रहे हैं। साइथ की स्किन दी जा रही है, कुछ ओल्ड बंडल वगैरह दिए जा रहे हैं, ओल्ड बंडल के क्रेट्स वगैरह दिए जा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे पैराशूट वगैरह और यहाँ पे रूम कार्ड वगैरह दिए जा रहे हैं। तो इस तरह के रिवार्ड आपको इंडिया में भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि रूम कार्ड हो गया और अपना जो है यहाँ पे कुछ वाउचर वगैरह हो गए और अपना यहाँ पे जो है लूट बॉक्स वगैरह हो गया, फीमेल बंडल हो गया। तो काफ़ी अच्छा खासा इवेंट आने वाला है। तो ये इवेंट 4 तारीख से आ जाएगा। इसके इवेंट के बारे में जो भी डिटेल्स है वो मैंने आपको पहले से बताते आ रहा हूँ। तो एक नया गरीना वालों का खुद का इवेंट रहने वाला है, ऐसा नहीं कि कोई कॉलबेशन इवेंट है, कॉलबेशन इवेंट नहीं है, बल्कि गरीना वालों का खुद का अपना एक इवेंट है। तो काफ़ी सही है, चलो भाई इसका इंतजार करते हैं, इस इवेंट को भी देख लेते हैं कि कैसा ही रहने वाला है। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे की ओर, तो बात करते हैं दिवाली इवेंट के बारे में। तो देखो दिवाली इवेंट में आपको कुछ इस तरीके की लॉबी देखने को मिलेगी। तो दिवाली में दो बंडल आने वाले हैं। तो दो बंडल कौन कौन से हैं, सबसे पहले तो आपको कुछ इस तरीके का जो है एक बंडल देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पे हनुमान जी की शेप पे या फिर उस डिज़ाइन पे इन लोगों ने बना रखा है। तो मेरे हिसाब से इस टाइप के बंडल वगैरह ज़्यादा बनाने नहीं चाहिए, क्योंकि इससे कंट्रोवर्सी वगैरह भी होती है। बाकी एक और बंडल आपको देखने को मिल जाता है जो कि किंग टाइप का बंडल है। तो इन दोनों बंडल से दोस्तों आपको एक बंडल बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। अभी श्योर नहीं है कि कौन सा बंडल मिलेगा, जहाँ तक मुझे लगता है आपको जो फर्स्ट वाला बंडल है ना हनुमान जी वाला, वही यहाँ पर फ्री में मिलेगा। बाकी सेकंड जो बंडल है वो आपको किसी डायमंड वाले इवेंट में या फिर पेड इवेंट में देखने को मिलेगा। तो अभी हम लोग इंतजार करते हैं, क्योंकि अभी दिवाली इवेंट आने में काफ़ी टाइम है। तो बहुत जल्द मैं इसके जो भी कंफर्म रिवार्ड हैं वो आप सभी लोगों को बता दूंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। एक भाई ने कमेंट किया कि कोबरा MP40 कब आएगी, और एक भाई ने कमेंट किया कि गिफ्ट स्टोर 50% ऑफ कब आएगा। तो कोबरा MP40 दोस्तों आने वाली है 3 सितंबर के दिन हमारे ईवो वॉल्ट के इवेंट में। तो अगर आपको निकालनी है तो 3 सितंबर का इंतजार करो, 3 सितंबर को आपको इवेंट देखने को मिलेगा। बाकी दोस्तों अगर बात करें कि यहाँ पे गिफ्ट स्टोर का क्या सीन है, तो देखो भाई गिफ्ट स्टोर का इवेंट जो है वो पहले से काफ़ी बार आता था, लेकिन पिछले कुछ टाइम से गिफ्ट स्टोर का जो इवेंट वो नहीं आ रहा है। अदर सर्वर के ऊपर तो गरीना वाले दे रहे हैं, लेकिन इंडिया में नहीं आ रहा है। तो जहाँ तक मुझे लगता है इंडिया में आपको इस बार भी जो है देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इंडिया के लिए इन लोगों ने ये वाला जो इवेंट है उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया, मतलब पूरा समाप्त कर दिया है। तो इसलिए मुझे लगता नहीं है कि इस बार भी आपको गिफ्ट स्टोर का कोई डिस्काउंट देखने को मिलेगा। हाँ, हो सकता है कि कोई गोल्ड से गिफ्ट वाला इवेंट आ जाए, जो कि मैं परसों आपको दिखा रहा था, जहाँ पर आप गोल्ड के कुछ आइटम को गिफ्ट कर सको, मतलब पूरा स्टोर गिफ्ट नहीं कर पाओगे, कुछ लिमिटेड आइटम को जो है गिफ्ट कर सकते हो। इस तरह का इवेंट अपने को दिवाली के टाइम पर यानी कि अक्टूबर मंथ में देखने को मिल सकता है। बाकी अगर आपको सस्ते में डायमंड वगैरह लेने हैं तो आप लोग ऐसी गेम शॉप से ले सकते हैं। मेंबरशिप ईवो गन के टोकन यहाँ पे सब मिलता है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी नीचे दी है, वहाँ पे मुझे मैसेज कर लेना। अभी दोस्तों वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर